देखो दो न्यूटन निकाल ले, ये हो गया अपने प्लस पीला वाला और ब्लू वाला हो गया न्यूटन। न्यूटन एक हीटर में दे दिया और एक पीआईडी में दे दिया, ठीक है। और दूसरा बचा ये फेस, ये फेस अपन ने एक एसएसआर के फेस में दे दिया, ये येलो वाला फेस है एसएसआर के इनपुट में दे दिया फेस, और ये इधर फेस दे दिया। ये थर्मोकपल के वायर है, ये इस थर्मोकपल के वायर को अपन पीआईडी के अंदर 8 और 9 नंबर पर जैसे कि आपको बताया गया है RTD, ये 8 नंबर और 9 नंबर, ये प्लस और माइनस थर्मोकपल। बस हमने इसको टेम्परेचर को सेट कर दिया 140 पे, तो इससे अप एंड डाउन नहीं होगा। और इसको बढ़ाना है, अगर अपन ऐसे जैसे बढ़ाएंगे इसको, ये 50 कर दिया है, 50 के बाद में ये हीटिंग और बढ़ाएगा इसके अंदर। ये हो गया 41, ऐसे करके पूरा 50 पे चल जाएगा, 50 से ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा ये, तो अपन 45 पे कर देता कि अपन को जल्दी पता चल जाएगा। बस ये हो गया 43, और ये जो लाइट जल रही ना आउटपुट OP1 लिख रखा है इसमें, इसमें आउटपुट हो गया है, ये लाइट जलना जरूरी है। जो लाइट जलेगी जब ये SSR की लाइट ब्लिंक करेगी। ये हो गया 43, ये वायरिंग है, एक बार समझ लेना वायरिंग। येलो, ये तो येलो वाला तो प्लस हो जाता है तो कपल का, और माइनस हो जाता है ये रेड वाला। बाकी ये दो जो वायर है ये SSR के 24 वोल्ट हो गए ये वाले, बाकी ये इसका AC वोल्ट हो गया SSR से आउटपुट, क्योंकि सीधा अपने हीटर पे जाना। बस ये इसका सर्किट है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। जब तक इसमें 144 पे हो गए, ये 144 पे होने वाला है, जस्ट 145 हो गया। अब ये इससे नहीं तो ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, टेम्परेचर ये का यही रहेगा इसमें। तो हमने देखो गाइस कर दिया है ये तो चालू, इसका टेम्परेचर सेट हो गया, ये प्लस से चलता रहेगा बस, लेकिन 45 से ऊपर नहीं जाएगा, 145 से ऊपर नहीं जाएगा ये टेम्परेचर, ये कम ज़्यादा ही होगा इससे। बस ये अपना काम है।